दोस्तों आज IPL 2020 के सीज़न का पांचवा मैच देखने को मिला। वहीं मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मैच खेला जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स का ये पहला मैच है इस सीज़न का, तो वही मुंबई इंडियंस का ये दूसरा मैच है। मुंबई इंडियंस इस मैच के अंदर अपनी जीत जरूर खोज रही है। तो वहीं बात करें मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की बैटिंग के बारे में, तो हार्दिक पांड्या जब फील्ड पर उतरे बैटिंग करने तो वो हिट विकेट होते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 18 रन इस मैच के अंदर बनाए और 13 बॉलें खेली। साथ ही ये भी बता दें उन्होंने हालांकि इस मैच के अंदर इन 13 बॉलों में से 2 चौके जरूर मारे और 1 छक्का भी मारा, पर उन्होंने सिर्फ 18 रन आज इस मैच में अंदर बनाए। वहीं बात करें उनके प्लेइंग के स्ट्राइक रेट के बारे में, तो 138 के स्ट्राइक रेट उनके बैटिंग के देखने को मिली। वहीं बात करें हिट विकेट की, जी हाँ दोस्तों, हिट विकेट वो हुए आंद्रे रसल की बॉल पर। आंद्रे रसल बहुत शानदार प्लेयर है और उनकी बॉल पर अब हार्दिक पांड्या हिट विकेट हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा झटका है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि ये लास्ट का 2 ओवर के अंदर ये सीन देखने को मिला है। हार्दिक पांड्या से बहुत उम्मीदें थी और वहीं आपको बता दें हार्दिक पांड्या के साथ इससे पहले रोहित शर्मा फील्ड पर थे और वह भी आउट होते हुए नजर आए इन लास्ट के 2 या 3 ओवर के अंदर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मुंबई इंडियंस की बैटिंग देखने को मिली है। हालांकि मुंबई इंडियंस ने अभी तक 191 रन अपने ज़रूर बना लिए हैं, पर देखना ज़रूर इंटरेस्टिंग होने वाला है कि KKR इस रन को चेस कर पाती है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है और आपको किस टीम से ज़्यादा उम्मीद है, बाकी ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को।